बॉलीवुड एक्टर्स जब अपने फैंस की भीड़ के बीच होते हैं तो उनके फैंस इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जाने अनजाने ऐसा कर जाते हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं रहता। कई बार भीड़ का फायदा उठाकर कुछ गलत लोग इन हॉट सेलेब्स के निजी अंगों को भी जबरदस्ती छूने से नहीं चूकते। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्हें कभी न कभी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा है। करीना कपूर खान। साल 2013 में एक इवेंट के दौरान करीना कपूर को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। कटरीना कैफ। कटरीना साल 2005 की दुर्गा पूजा के दौरान हुई छेड़छाड़ का शिकार। सोनाक्षी सिन्हा। साल 2010 में एक इवेंट के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी। सोनम कपूर। रांझणा फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें कुछ क्रेजी फैंस की छेड़खानी का शिकार होना पड़ा था। गौहर खान। 2014 में टीवी होस्ट और एक्ट्रेस गौहर खान के साथ छेड़खानी और थप्पड़ की घटना सामने आई थी। अमीषा पटेल। अमीषा एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर जाने लगी तो एक युवक ने उन्हें जबरदस्ती छुआ। सुष्मिता सेन। एक ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन से वापस लौटते समय भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनसे छेड़खानी की। बिपाशा बसु। राज 3 के प्रमोशन के दौरान एक शख्स ने उनकी स्कर्ट खींचने की कोशिश की थी। नगमा। रोड शो के दौरान नेता गजराज सिंह ने नगमा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उनके सिर को पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। गुलपनाग। गुलपनाग को दिल्ली हाफ मैराथन के वक्त छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। कोयना मित्रा। कोयना के साथ मुंबई के एक 5-स्टार होटल में छेड़छाड़ हुई थी जब वो न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रही थी। ईशा देओल। भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स उनके काफी नजदीक पहुंच गया और छेड़खानी करने लगा। मिनीषा लांबा। मिनीषा लांबा के साथ उस वक्त छेड़छाड़ हुई जब वो गोवा के बीच पर एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कर रही थी। राखी सावंत। राखी सावंत ने सिंगर मिका के खिलाफ छेड़छाड़ और उन्हें जबरदस्ती किस करने पर कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।